एहतिशाम माली, एहतिशाम माली साहब, राम लाहौर, इकराम खान नेहरू को इंग्लिश पढ़ाई है, ऐसे इकबाल मेरे स्कूलिंग भी हैं, शकीद भी हैं। वान दीवानिया फिरनिया एहतिशाम माली, एहतिशाम माली साहब, राम लाहौर, 18 मैनोहर सिटरी, शाम नगर, चौबुर्जी, लाहौर, प्लस 114, 115, 116 रिवाज गार्डन, लाहौर, नियर एमयू कॉलेज, प्लस राजगढ़ रोड, लाहौर। ये याकूब साहब की दुकान है मजांग में, तो बड़ी तारीखी दुकान है, वहाँ हम बैठा करते थे। यहाँ निवासी भी अक्सर आगे जाए भी करते थे। इकरामुल्लाह नेहरू, जब मैं जीसी यूनिवर्सिटी से गया तो वो वहाँ पर क्लार्क थे, मैंने उनको बुलाया। आज वो अल्लाह के हुक्म से असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू सरगोजा, रेवेन्यू सरगोजा लगे हुए हैं, ग्रेड 19 में, शायद अब वो 20 में प्रमोट हो गए हैं या रिटायरमेंट ले ली हो, मुझे अब मजबूत नहीं हुआ। जैसे मैं भाई भी मानता हूँ, दोस्त भी मानता हूँ, वो मेरा फैमिली मेंबर है, मीन वाली से है, महिला मदी हेल से है, मूसा हेल से है। लास्ट मुलाकात हुई थी तो बकौल आपके आपने कहा था मैंने PhD किया है। जी, मैंने इकरामुल्लाह खान नेहरू को इंग्लिश पढ़ाई है, इंग्लिश शॉर्टहैंड पढ़ाई है। वो उस वक्त जब मैं जीसी यूनिवर्सिटी से आया, एहसन इकबाल मेरे स्कूलिंग भी हैं, शकीद भी हैं। एहसन इकबाल मुस्लिम लीग न्यू के हमारे साथ थे जिसे यूनिवर्सिटी में, और ये बैक बेंचेस पे बैठते थे, ये हर वक्त तकरीरें करते थे। तो मेरा तो लगे गरीब घराने से था, और ये जो है ना एहसन इकबाल, ये एक खाते पीते घराने का तलब था, शायद इसकी आपा का माँ का नाम जो है वो आपा निशाद है। मैं चूँकि मेहनती आदमी था, जहीन नहीं था इतना, तो मुझे अपने बड़ों का भी ख्याल था कि यार इन्होंने इतना पैसा लगाया है, जिसे यूनिवर्सिटी में आगे भी थर्ड डिवीजन ली तो क्या ली। तो मैंने बड़े दिमाग से पढ़ना, रात दिन पढ़ना, तो फिर कभी ऐसा मौका नहीं आया कि एहसन को मैंने आगे जाने दिया इंग्लिश में। मेरी नंबर वन पोजीशन रही है इंग्लिश में, वो कि एहसन बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था, ये थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा याद कर लेते थे। आपने मास्टर्स किया है सर, एहतिशाम आप मुझे एब्सेंस की स्पेलिंग सुनाएं। एब्सेंस जी, ABSENGE, एब्सेंस। एक्सीडेंटली की स्पेलिंग सुनाएं, ACCIDENTLY। फेब्रुअरी, FEBRUARY। फिजिकल, PHYSICAL। जिंदगी से आपको कोई शिकवा है, आप रोड पे रह रहे हैं, क्या परेशानी का आपको सामना करना पड़ता है? मैं बहुत खुश हूँ, मेरे वालिद साहब कहा करते थे, तुम दिए बातें मुखालिफ से न घबरा ऐ औकात, ये तो चलती हैं तुझे ऊँचा उड़ाने के लिए, दैट वुड बी अनफॉर्मिंग। शहर तेरा परदेशन वान दीवानिया फिरनिया। प्रोफेसर एहतिशाम की गुफ्तगू आपने सुनी। जब अपने ही पराए हो जाते हैं तो इंसान को आसमान से ज़मीन पर आने में देर नहीं लगती। प्रोफेसर साहब ने कुछ हकाइक से पर्दा उठाया तो कुछ राज राज ही रहने दिए। मोहसिन रजा, जबर न्यूज़, कराची।